नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं काफी समय से कोशिश कर रहा था कि एक ऐसे वीडियो लेकर के आऊं जिसमें मैं आपके लिए मंदिर को 10,000 से भी कम कीमत पर उपलब्ध करा सकूं। और फाइनली आज मैं आपके लिए 10,000 से भी कम कीमत पर मंदिर लेकर के आया हूं। आइए मंदिर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मंदिर में सबसे पहले नीचे हमने एक ड्रोर दिया है, इस ड्रोर के अंदर आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। एक और हमने पट्टी दी है, इसके ऊपर आप धूप बत्ती वगैरह करके धूप बत्ती के बाद में इसे वापस अंदर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग मंदिर के साथ उसका दरवाजा भी चाहते हैं, तो हमने उसका भी इंतजाम रखा है और आप इसे इस प्रकार खोल करके यहां पर इसके अंदर अपनी मूर्तियां स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे हमने गणेश जी को विराजमान किया है, गणेश जी के पीछे लाइटिंग भी आप देख पा रहे होंगे। लाइटिंग बड़ा सिंपल है, लाइटिंग को अडप्टर के साथ में हमने जोड़ा है, लाइट चला गया, तार निकाल दिया, लाइट चला गया, वापस से अडप्टर लगाएंगे, लाइट आ गया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम उनके लिए इस मंदिर को उनके हिसाब से कस्टमाइज भी करेंगे, वो भी एकदम से फ्री। तो यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, साइड में भी हमने इसमें जाली का इस्तेमाल किया है, जाली आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितनी खूबसूरत जाली है। इसके अलावा बाहर के जो पल्ले हैं, पल्लों पे हमने ओम का डिजाइन बनाया है जिसे आप देख पा रहे होंगे, और एक सर्कल बनता हुआ आ रहा है जो इसको और अधिक सुंदर बना रहा है। ये पूरा मंदिर WPC मेटल से बना हुआ है। इसके अलावा इसे फिनिशिंग टच देने के लिए 3.5 mm की UV मार्बल शीट का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, माइका नहीं है, 3.5 mm का UV मार्बल शीट है जो कभी खराब ही नहीं होगा, और WPC मेटल से बना है इसलिए आग लगने का झंझट ही नहीं। अगर गलती से धूप बत्ती कुछ गिर भी जाता है, टेंशन नहीं लेना, कभी नहीं जलेगा। और साफ सफाई एकदम आसान है, क्योंकि UV मार्बल शीट का इस्तेमाल किया है, तो कोई भी गीले कपड़े से साफ कीजिए, तुरंत साफ हो जाएगा, किसी भी प्रकार का दाग इसके ऊपर रुक नहीं पाएगा। मंदिर है, घी आदि का इस्तेमाल तो होता ही है मंदिर के अंदर में, तिलक वगैरह भी लगता रहता है तो गंदा हो सकता है, लेकिन यहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। पानी, मंदिर में पानी का तो काम होता ही है, पानी से कभी खराब नहीं होगा क्योंकि WPC से बना है। तो दोस्तों यह मंदिर मार्केट में लगभग 20,000 से भी ज्यादा कीमत में मिलेगा आपको। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।